खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और साथ ही मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब शायद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के पुस्तक भवन में। यहाँ तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि मेरठ डिग्री फेस्टिवल। आपको बता दें ये जो फेस्टिवल है अंग्रेजी विभाग के विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर विकास शर्मा द्वारा एक अनोखा प्रयास है, या अनोखी कोशिश है, जहाँ अंग्रेजी विभाग के अंदर उर्दू, हिंदी और पंजाबी तीनों भाषाओं का समावेश किया गया। बीते दिन ही हमने आपको दिखाया था कि कल यहाँ पर अंग्रेजी विभाग द्वारा डिस्कशन किया गया था, पैनल पर डिस्कशन किया गया था, साथ ही एक शानदार बैकमेट नामक प्ले का मंचन किया था। और आज यहाँ पर आपके सामने हम दिखाते हैं, तस्वीरें दिखाएंगे अभी अंदर चल के, आज यहाँ पे उर्दू और पंजाबी भाषा का समावेश किया गया है। उर्दू के बहुत सारे शायर यहाँ मौजूद हैं, उर्दू के वक्ता मौजूद हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के उर्दू डिपार्टमेंट के हेड यहाँ मौजूद हैं। आइए देखे चलते हैं, देखते हैं इस कार्यक्रम खास जगह। मेरठ CCS यूनिवर्सिटी के अंग्रेजी विभाग के तत्वाधान में आयोजित किए जा रहे 3 दिवसीय मेरठ लिटरेरी फेस्ट के दूसरे दिन आधुनिक उर्दू गजल पर पहले सत्र में पैनल डिस्कशन हुआ। उद्घाटन करते हुए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी ने कहा कि अंग्रेजी के रचनाकारों को भारतीय भाषाओं और साहित्य का अनुवाद विश्व को उपलब्ध कराना चाहिए। उर्दू गजल पर बोलते हुए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर शबनम हमीद ने कहा कि आधुनिक गजल जीवन के प्रत्येक स्तर पर तरक्की कर रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के उर्दू विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर कमरुल हुदा फरीदी, इसी यूनिवर्सिटी के डॉक्टर सरवर साजिद, साथ प्रोफेसर असलम जमशेदपुरी, प्रोफेसर विकास शर्मा, प्रोफेसर इरशाद सियानवी और डॉक्टर हुमा मसूद ने आधुनिक उर्दू गजल की यात्रा पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम का सफल संचालन माइनॉरिटी एजुकेशनल एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के महासचिव आफाक अहमद खान ने किया। अंग्रेजी विभाग की ओर से सभी अतिथियों को सम्मानित भी किया गया। लिटरेरी फेस्ट के द्वितीय सत्र में 21वीं सदी की पंजाबी भाषा, साहित्य व संस्कृति विषय पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पंजाबी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप सिंह, डॉक्टर सीआर मौदगिल, पंचकुला पंजाबी लेखक डॉक्टर कुलवंत सिंह रफीक, श्री गुरबचन सिंह योगी, डॉक्टर जीवन बख्शी ने 21वीं सदी के पंजाबी साहित्य व संस्कृति पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के अंतिम चरण में क्रिएटिव राइटिंग सेशन में डॉक्टर लवि शर्मा, हिबा खान, निशा त्यागी, सुकांशा, प्रोफेसर चारु चित्रा ग्वालियर, लावण्य राणा, अदिति मिश्रा आदि ने अपनी रचनाओं से माहौल को साहित्यिक बनाया। इस सत्र का मंच संचालन हिना कौसर ने किया। लिटरेरी फेस्ट में प्रोफेसर प्रतिभा त्यागी व निधि गुप्ता का सहयोग रहा। देखिए कार्यक्रम की कुछ खास झलकियां। ब्यूरो रिपोर्ट, हिबा खान, मेरठ मित्र चैनल, एनटीवी लाइव वेब न्यूज़। 1975 सर, आज इंग्लिश विभाग में उर्दू डिपार्टमेंट का ये जो कार्यक्रम कैसा लगा आपको, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा और मैं समझता हूँ इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए। हदबंदियाँ टूट जाती हैं, जबानों को एक दूसरे से करीब आने का मौका मिलता है और सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो उर्दू के स्टूडेंट हैं, जो इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, इसी तरह अगर हिंदी के स्टूडेंट आए तो ये सब एक दूसरे के साथ मिल बैठते हैं और समझते हैं कि ये जो ज़बानें हैं किस तरह मोहब्बत को एक दूसरे तक पहुँचाती हैं। ये गज़ल का प्रोग्राम था और हम सब जानते हैं कि गज़ल मोहब्बत की ज़बान है और आपने देखा कि आज के प्रोग्राम में लोग किस तरह तालियां बजा रहे थे, लोग किस तरह चेहरे लोगों के खिले हुए थे। बहुत से लोग ऐसे थे कि बात जुमले नहीं समझ रहे थे, लेकिन मोहब्बत की ज़बान को लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, लोग समझ रहे थे। जिनको नहीं समझ रहे थे वो बात भी समझ रहे थे। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं मुबारकबाद देता हूँ इस प्रोग्राम की और जो इंग्लिश के डिपार्टमेंट के हैं और जो उर्दू डिपार्टमेंट के, उन दोनों को, प्रोफेसर असलम जमशेदपुरी साहब को भी और प्रोफेसर विकास साहब को भी, और आप सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, बहुत अच्छा लगा, बहुत सी यादें समेट करने जा रहा हूँ। थैंक यू सर। के द्वारा इंग्लिश डिपार्टमेंट में 3 दिवसीय ये लिट फेस्टिवल रखा जा रहा है,
क्या कहेंगे सर इसके बारे में? लिटरेरी फेस्टिवल का उद्देश्य ये है कि हमारे जो विद्यार्थी हैं जिस अंग्रेजी साहित्य की खिड़कियों में बंद मामलों को बांध लेते हैं वो अन्य साहित्यों का ज्ञान प्राप्त करें, विशेषकर भारतीय भाषाओं का, संस्कृत का, उर्दू का, पंजाबी का। उर्दू अपने आप में एक बहुत ही मोहब्बत की भाषा है, या माशूक की बात बहुत लंबे कहते आए हैं। उर्दू अगर हमने एक थोड़ी यात्रा की है कि वो माशूका के बाल जाल से निकलकर कुछ समस्याओं पर आई है। एक ज़माना था उर्दू के शायर मोहब्बत में बिजी रहते थे लेकिन अब देश की बात करते हैं। उदाहरण के लिए दुष्यंत कुमार कहते हैं, मत कहो आकाश में कुखरा रहना है या किसी की व्यक्तिगत आलोचना है, एक डूंगी गुड़िया में कितनी जान है, आज शायर तमाशा देखकर हैरान है। इंदिरा गांधी पर जो असंगतियों पर जो व्यंग दुष्यंत कुमार कर रहे हैं वो उर्दू गजल इसको सिद्ध कर पाई है। अगर मैं याद करूँ कुंवर बेचैन शब्दों में, कुंवर बेचैन कहते हैं, दिल पर मुश्किल है बहुत कहाँ नहीं लिखना, ये बहते हुए पानी पर पानी लिखना। तो हम चाहते हैं हमारे विद्यार्थी जानें कि उर्दू गजल में क्या परिवर्तन आए हैं, क्या गजल स्टैंड कर रही है, जो PhD करें तो उर्दू गजल को भी अपने आयाम में रखें। सर ये 3 दिवसीय प्रोग्राम है, कल क्या है सर यहाँ पर? कल यहाँ पर हिंदी साहित्य और संस्कृत साहित्य को इकट्ठे होंगे, संस्कृत कवि सम्मेलन होगा और हिंदी साहित्य चर्चा होगी। बिल्कुल ऐसी टेंशन पर जब हम गौर करते हैं तो टेंशन की एक रंग में टीयर्स आ रही है, तो दोनों में हमें बड़ी चीज दिखाई दे रही है। कहने का तरीका दूसरा है। अक्सर हम कहते हैं कि आज हम बात उर्दू में करेंगे, आज हम बात अंग्रेजी में करेंगे, आज हम बात हिंदी संस्कृत में करेंगे, बात तो वही करेंगे। गजल में अंग्रेजी में ओड है।